नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसकी प्रश्न संख्या 1। और इसमें कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29। तो यहाँ पे हमारे पास 8.29 में जो आकृति दी गई है उसके बारे में ये बात करें, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको आकृति बना के दे दी गई है। तो इस आकृति को हम बना लेते हैं एक बार। इसमें हमारे पास जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए बी सी और डी ये दिए हुए हैं। उसके बाद पी क्यू आर और एस, तो पी क्यू आर और एस यहाँ पे हैं और इनको मिला दिया गया है। इनको यहाँ पे क्या किया गया है, मिला दिया गया है। और क्या है कि AC उसका एक विकर्ण है, तो ये जो AC है इसका एक विकर्ण है, तो ये हमें दिया गया है। दर्शाइए कि SR समांतर है AC के और SR 1/2 है AC के, यानी कि SR AC की आधी है। उसके अलावा PQ और SR बराबर है। तीसरा, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके तीन भाग हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है अगर आपने परिमेय 8.9 और 8.10 ये अच्छे से कर रखे हैं। तो इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को करने से पहले आप परिमेय 8.9 और 8.10 मध्य बिंदु परिमेय है, इनको अच्छे से कर लें क्योंकि उसके रिजल्ट ही यहाँ पे यूज होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे इसके हल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें जो कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और जिसमें पी क्या हुआ आर एस क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है, यानी कि पी क्या हुआ आर एस इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हम कह सकते हैं कि जो AP है वो PB के बराबर है, AP PB के बराबर है, BQ BQ QC के बराबर है, इसी तरह से CR CR RD के बराबर है और DS DS SA के बराबर है या AS के बराबर है। तो इसको हमने 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया, तो ये हमें दिया गया है। अब पहले भाग की बात करते हैं, हमें दिखाना है कि SR समांतर है AC के। SR, ये SR है हमारे पास, ये समांतर है AC के, ये हमें सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, जो परिमेय 8.9 है वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है ABC, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं, मान लो AB का जो मध्य बिंदु है वो D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो जो ये रेखाखंड बनेगा DE ये समांतर होगा BC के और DE आधा होगा BC के। तो ये हमें परिमेय 8.9 मध्य बिंदु परिमेय कहता है। अब आप देखें, अगर आप इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AD और C की बात करें, AD और C की बात करें, तो कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा होती है ADC में, जो S है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है और जो R है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है।
तो बस हमारा काम हो गया। इसका मतलब जो एस आर है वो किसके समांतर है, ए सी के, और जो एस आर है वो ए सी का आधा होगी। हो गया हमारा काम, बिल्कुल इजी। बस आपको जो त्रिभुज है वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी त्रिभुज में ये हमें मिल सकता है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में एस भुजा AD का तथा R भुजा DC का, R भुजा DC का मध्य बिंदु है, इसलिए जो मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से क्या लिख सकते हैं हम, कि जो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा SR या RS वो समांतर होगा किसके, AC के, तथा SR आधा होगा AC के। तो हमारा ये एक भाग हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा गया है कि पी क्यू और एस आर बराबर है, हमें यह दिखाना है। अब आप देखें कि जो अब की बार हम ये वाली त्रिभुज लेते हैं, इधर वाली त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज की हम अगर बात करें, इसमें आप देखें त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में, BAC में P भुजा AB का और Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। हम क्या लिखेंगे कि P भुजा AB का तथा Q भुजा, P भुजा AB का या BA का कह लो, और Q भुजा BC का, BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसलिए मध्य बिंदु परिमेय से, यहां पे भी हम मध्य बिंदु परिमेय से कह सकते हैं कि देखो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा पी क्यू समांतर है एसी के, तथा पी क्यू आधा है एसी का। अब ये हमारे पास समीकरण एक हो गया और ये हमारे पास समीकरण दो हो गया। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, अब देखो एस आर भी एक एसी का आधा है और पी क्यू भी एसी का आधा है, तो ये देखो दोनों ये बराबर हैं, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू हैं और जो एस आर हैं वो बराबर हैं। तो ये हमने दूसरा पार्ट इसका सिद्ध कर दिया, तो इसको समीकरण तीन मान लें। अब आ जाए तीसरे भाग के, इसके तीसरे भाग पे आ जाए। अब तीसरे भाग में हमें यह दिखाना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, हमें यह दिखाना है। अब आप देखें कि पी क्यू को हमने एस आर के तो बराबर दिखाई दिया, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है आर एस, ये रहा सिद्ध किया है हमने। और देखो इसको हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो या तो हम सम्मुख भुजाएं
समांतर दिखा दे दोनों युग्म, इसको इसके समांतर दिखाएं, इसको इसके समांतर दिखाएं, या फिर भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो। अब देखो ये बराबर तो हमने दिखा दिया, अब हमें समांतर दिखाना रह गया, वो देखो कैसे दिखाएंगे। क्योंकि यहां से जो एस आर है, एस आर समांतर है ए सी, तथा यहां से पी क्यू समांतर है ए सी। देखो एस आर भी ए सी के समांतर है और पी क्यू भी ए सी के समांतर है, इसलिए एस आर समांतर है ए सी समांतर है पी क्यू, यानी कि सारे ही आपस में समांतर है, तो इसका मतलब एस आर समांतर है पी क्यू के। अब देखो पी क्यू आर एस के बराबर भी हो गया, आर एस या एस आर ए की बात है, और एस आर या आर एस उसके बराबर भी हो गया, तो पी क्यू हमने क्या कर दिया, आर एस के बराबर भी ले लिया और इसके समांतर भी दे दिया। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आर एस लिखा हुआ है या एस आर लिखा हुआ है, आर एस या एस आर एक की बात है। तो यहां से देखो हमने चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म बराबर भी दिखा दिया, समांतर भी दिखा दिया, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यह हमारा तीसरा पार्ट हो गया। यहां पे आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब जोड़ा समांतर और बराबर हो तो वह का मतलब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस नियम के बेस पे हमने कह दिया कि जो पी क्यू आर एस है वो एक समांतर चतुर्भुज है। प्यारे बच्चों अगर आप देखें क्वेश्चन की लेंथ तो आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं, मध्य बिंदु से थे हमने ये एक त्रिभुज ली, ये मध्य बिंदु थे, तो जो एस आर होगा ए सी के समांतर भी होगा और आधा भी होगा, पहला भाग सिद्ध हो गया। अब इसमें जब किया तो पी क्यू ए सी के समांतर भी होगा और आधा भी होगा, ये भी समांतर और आधा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, दूसरा भाग होगा। अब ये देखो ये दोनों तो बराबर आ ही गए थे, अब ये भी ए सी के समांतर है और ये भी ए सी के समांतर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में समांतर है, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया, यानी कि वो समांतर चतुर्भुज आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।